दोस्तों फिल्मवाला चैनल में आपका स्वागत है। हॉलीवुड में सुपर हीरो टाइप की बहुत ही फिल्में बनती है, लेकिन बॉलीवुड में इस टाइप का ट्रेंड बहुत ही कम देखने को मिलता है। वैसे क्रिश, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में आप सुपर हीरो देख चुके। दोस्तों मैंने अभी अभी अटैक का ट्रेजर देखा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जे एंटरटेनमेंट पैन इंडिया लिमिटेड के बैनर तरह बनने वाली ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जॉन इब्राहिम, और उन्होंने ही इस फिल्म की स्टोरी को लिखा है। अटैक के डायरेक्टर है लक्ष्यराज आनंद। अटैक के ट्रेजर में दिखाया गया है कि संसद भवन में जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जख्मी लोग जमीन पर अधमरे से पड़े हुए हैं और जैकलिन उसे संभालने की कोशिश कर रही है। अधमरे पड़े जॉन इस टीजर में दिखते हैं, और उसके बाद दिखता है एक बड़ा सा साइंस लैब, जहां जॉन के शरीर पर कई साइंटिफिक प्रयोग किए जाने के बाद एक चिप को जॉन के शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे कि उसके शरीर में एक सुपर पावर आ जाती है। इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके ये वो देश के दुश्मनों को कैसा सफाया करता है, ये देखने के लिए आपको 28 जनवरी 2022 तक रुकना पड़ेगा। सत्यमेव जयते बुरी तरह पिटने के बाद जॉन इब्राहिम बैकफुट पर चले गए थे। अच्छा अभिनय, सिक्स पैक वाली बॉडी होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जॉन का जादू चलता नहीं दिख रहा। इस पर मात करने के लिए अटैक को एक बेहतरीन सक्सेसफुल फिल्म बनाने के प्रयास में जॉन इब्राहिम और उनकी टीम लगातार नजर आ रही है। अटैक एक साइंस फिक्शन है, और इसे हॉलीवुड लेवल की दमदार फिल्म बनाने में कोई भी कसर छोड़ी नहीं जा रही। इस फिल्म के पोस्टर को भी बहुत आकर्षक बनाया गया है। टीजर से तो साफ पता चलता है कि ये एक अच्छी एक्शन थ्रिलर का मजा दर्शकों को मिलने वाला है। अटैक में जॉन इब्राहिम के साथ जैकलिन फर्नांडिस, रकुलप्रीत सिंह और प्रकाश राज प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। कल 16 दिसंबर 2021 को मार्वल की स्पाइडरमैन नो वे होम पूरे विश्व में प्रदर्शित हो रही है, और इससे पहले भी कैप्टन अमेरिका, हल्क, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और एवेंजर सीरीज जैसी सुपर वाले हीरो वाली फिल्मों ने भारत में अच्छी खासी कमाई जुटाई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जॉन भाई के इस फिल्म का टॉपिक सुपर हीरो बेस का है, इस पर फोकस किया गया है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन जुटाने में कामयाब रहेगी या नहीं, आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट में लिखिए। और जाते जाते मेरा चैनल फिल्मवाला अविनाश को लाइक करके, सब्सक्राइब करके उसका बेल बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।